तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, होप अच्छे होंगे। तो अभी मेरा नाश्ता करने का टाइम हो गया, बहुत ज्यादा भूख लगी और अभी भी घर में काम लगा हुआ है। कैसे भी टाइम निकाल के आज घर में बना नहीं पा रही हूँ मैं। रोज़ बनाते बनाते बहुत जल्दीबाजी में ना खाना हौच पौच हो जाता है, काम लगा रहता है। तो आज मैंने कहा आज मैं नहीं बनाने वाली रोटी पूड़ी पराठा, आप जाओ कुछ लेके आओ बाहर से। तो आज नाश्ते में ये आई है, ये तो कचौड़ी है और सब्जी है, ये तो मुझे पता ही है। ये पता नहीं मुझे क्या है, ये राजीव के मुँह से सुनी है क्या भाई? है यार पूड़ी है, इसके अंदर मूंग दाल की स्टफिंग है, मूंग दाल है सब तो पता है। ये भी कचौड़ी है? हाँ बस पूरी जैसी, पूरी जैसी कचौड़ी है और वो गोल है, गोल है। और हम लोग को निकलना भी है, तो फिलहाल तो अभी नाश्ता करके मैं बताती हूँ यहाँ का क्या हाल है। पहले क्या खाऊं? और खाओ गोल वाले खाओ। चलो मेरे को ज्यादा वैसे कचौड़ी में, कचौड़ी लवर कम हूँ, समोसा लवर ज्यादा हूँ, फिर भी इसके अंदर भर दिया जाए। देखो किसी को नहीं आता ना, फॉरेनर्स को नहीं आता खाते, तो मैं उसको सिखा रही हूँ। इसमें ऐसे भर के किचन किचन में रख दी, किचन। अच्छी है, क्रिस्पी है थोड़ी, पर इसमें एक चीज की कमी है, स्टफिंग थोड़ी मुझे दिख नहीं रही है। अरे कमी होगी ना, पूरी थोड़ी भर देगी यार, मैदा ज्यादा है। हाँ तो मैदा ही खाओ। और ये वाली पूड़ी, इसके अंदर काजू भरी हुई है, फिर वही कुछ नहीं भरा है, मूंग दाल। अरे है भाई, अरे थोड़ा सा होता है यार। अब वो खुद पतली सी है तो उसके अंदर क्या 1 किलो मूंग दाल भर देगा क्या? हाँ मैदा है बस, मुझे लग रहा है मैदा ही खिला रहे, दुनिया मैदा खाती है। हाँ ठीक है, अच्छा करती है। जबरदस्त, इसमें कोई मुझे समझ नहीं आ रहा, पर वो अच्छी है कचौड़ी, ये पूड़ी जैसी है, बस नमक वाला मसाला कुछ लगता है छिड़का है अंदर उसके, बाकी ये मैदे की पूड़ी है। ये वाली कचौड़ी बहुत अच्छी है, न्यू वाली। तो अब मैं जा रही हूँ, ये पूरा मैं ही खाऊंगी, जी भर के खा लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब के बटन भी दबा दिया करो कभी कभी, वो वाले बगल में है ना उसे दबा दो। चलो तो अभी लास्ट करूँगी मैं वीडियो, आज निकलना है। उससे पहले यहाँ पे जो हेल्पर हैं उनसे हम आपको मिलवाएंगे और आपसे वो कुछ बोलेंगे और वो आपको समझना होगा, ठीक है? चलो की बोलो, तुम बोलो, तुम्हें नाम उत्तर दो, तुम्हारा क्या है? क्या बोलना है? बोलो, बोलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, बोलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाभ कीजिए। बांग्ला था कि बोलो? हाँ बांग्ला तो बांग्ला था कि लाइक करो। हाँ और सब्सक्राइब करो। हिंदी हिंदी चाहे हिंदी हम पच्ची नहीं उल्टा बोलते पाँच बोले आवाज दरा है अवर नहीं चिला तो काम चिता के नहीं है छूटू को डाके नहीं आसी। हाँ बोलिए, समझ में आ गया है तो बने रहो चैनल में। हम पाँच बोलो आई बोलते आवाज दरा है अवर नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं रीवा, जोर से बोलो, निकल रहे तो आवाज नहीं आ रही क्या? जोर से बोलो। हम लोग अब जा रहे हैं रीवा, मेरे भतीजे का बर्थडे है, अब बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है। यहाँ से मैं सीधे रीवा जा रही हूँ, वहाँ बर्थडे मनाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो इसके पहले का क्लिप तो प्लीज आप जरूर करो। हाँ वो बोल नहीं पा रही थी सब्सक्राइब की बटन, वो मैं बोलती, आप बोलो। सब छिलाटा बोलते पाची बंगाली ये बोल लेते हैं बंगाली। वीडियो दारुण लगे, वीडियो प्लीज लाइक करून, सब्सक्राइब करून। अरे भाई साहब हमको नहीं आया समझ में, बट जो भी तक कर दियो। चलो तो अब मैं बोल दूं कि वो अभी जो आंटी गई है ये उनकी बेटी है। अब ये बोलेंगी, वो बोल नहीं पा रही थी, उन्होंने बोला बेटी को लेके आते हैं, फिर वो बोलेगी तो अब वो बोलेंगी। আমরা বলছি কি তুমি ইয়াদের ভিডিও গুলো লাইক করো এন্ড সাবস্ক্রাইবও করো, আর যত বন্ধু গুলো আছো বেঙ্গলি সবাই এদের ভিডিও গুলো দেখো, আর মজা করো আর অ্যাশ করো, দেখতে থাকো, ঠিক আছে।
और ये दूसरी वाली जो शर्मा रही है बढ़िया पे वो तो इन लोग से तो अच्छी हिंदी आती है, इन लोग हिंदी भी बहुत बढ़िया बोल पाती है, मम्मी तो नहीं बोल पाती है क्या? हिंदी तो आता है। हाँ ठीक है, चलो फिर हम लोग जा रहे हैं, टाटा भी कर रहे हैं, सबसे यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहे हैं, और सब जुड़े रहना, अब तक के लिए बाय।